महाराष्ट्र में पुलिस ने पशु अंग तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश। 1.5 करोड़ के हाथी के दांत हुए बरामद, 2 लोग हुए गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी हाथी के दांत कहां से लेकर आए थे और किसे बेचने वाले थे। महाराष्ट्र के थाने शहर में पुलिस ने 2 लोगों को हाथी के दांत की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर कुल 1.5 करोड़ रूपए के हाथी के दांत जब्त कर लिए है। पुलिस का दावा है कि पशुओं के अंगों की तस्करी में अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ है। गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए मंगलवार को पुलिस ने कोपरी इलाके में जाल बिछाया था, जिसमें 2 लोग फंस गए। उनमें से एक मुंबई का रहने वाला है तो वहीं दूसरा तमिलनाडु का रहने वाला है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास गोटके ने बताया कि दोनों के पास से 2 किलोग्राम के 2 हाथी के दांत बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। तस्करी करने वाले आरोपी की पहचान तमिलनाडु के कृष्णागिरी के 41 वर्षीय मोहम्मद रफी इब्राहिम सैयद और मुंबई अंधेरी के 35 वर्षीय रहीम बादशाह खान के तौर पर हुई है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी हाथी के दांत कहां से लेकर आए थे और किसे बेचने वाले थे।